नमस्कार, मैं सियाते और आप देख रहे हैं द टेक्निकल ट्रेड में। तो आज आप लोगों को मैं एक सेट है साइड टेबल का, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये जो दो है हाइट दोनों की कम ज़्यादा है और ये साइड टेबल का एक सेट है जो कि हम बना चुके हैं। ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये वाला बना हुआ दोनों है। अब इसको किस तरह से बनाया है, क्योंकि ये इसमें आपने देखा कि काम है वो बहुत ही बारीकी वाला काम है, तो इनको अलग अलग है वो पार्ट में बना के सबको जोड़ा गया है। तो किस तरह से जोड़ा गया ये मैं आपको अब पूरा खोल के इसको दिखाता हूँ, एक एक काम को, और जो भी इसमें किया है उसको सबको मैं आपको बताता हूँ कैसे किया है। तो वीडियो में बने रहेगा, वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस तरह का काम है वो करने के लिए बहुत ही बारीकी की जरूरत होती है और बहुत ही दिमाग वाला काम है। इसलिए आप भी अगर देखेंगे समझेंगे तो हो सकता है आपको भी आगे कभी ना कभी काम में ज़रूर आएगा। तो चलिए अभी देखते हैं इसको, पहले खोलते हैं और कैसे बनाए ये भी मैं साथ साथ में आपको बताता रहूँगा। तो चलिए अभी इसको खोल के मैं आपको पूरा दिखाता हूँ और बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बड़ी टेबल है, ये छोटी टेबल है। इसमें ये वाली ब्रोज की 4 mm by 4 mm की पट्टी लगी हुई है, ये वाली इस पर वीनियर है और ये MDF है, इस पर अभी पेंट होना बाकी है। तो ये वाला जैसा आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा जो है यहाँ पे ये हाफ राउंड लगी हुई है, यहाँ पे फिर वीनियर है और नीचे ये इसकी स्कर्टिंग मान लीजिए, यहाँ पे भी इसमें ब्रास की पट्टी लगी हुई है, यहाँ पे वीनियर है और नीचे ये MDF है, एक ब्रास की पट्टी यहाँ पे इसमें लगी हुई है। तो ये सब पट्टियाँ हैं लगाने के लिए। देखिए इसमें जब भी जैसे हमने किया है, ये वाला हमने 6 mm का MDF लिया, इसके ऊपर एक दूसरा 4 mm का MDF लेके उसको 8 mm छोटा रेडियस में काट लिया, 4 mm की इसमें ये वाली इसकी थिकनेस ब्रास वाली इसकी रोड की थी, तो 4 mm उसने कवर कर लिया और 4 mm वो अंदर रह गई। इस तरह से हमने किया है। अब इसको हमने जो जोड़ा है इसको मैं खोल के आपको पूरा दिखाता हूँ, तो वो आप देखिए किस तरह से हमने इसको पूरा जोड़ा है। तो ये सबसे पहले नीचे का जो ये स्टार्टिंग भी बन गई और इसका ये पूरा बंद भी हो गया, तो इसमें स्क्रू लगे हैं। ये वाला हमने इसका खोल लिया, ये इसका नीचे का स्टार्टिंग हो गया। अब इसके नीचे ये वाला देखिए एलंकी का बोल्ट लगाया हुआ है, 6 mm का है, तो इसको हम खोल लेंगे। देखिए ये वाले 2 volt लगे थे, दोनों खोल लिए, तो ये वाला अलग हो गया। इसमें ये वाली जो थी यहाँ पे लगा दी, देखिए ये वाला हमने 4 mm की MDF लेके उसका इसके ऊपर अलग से लगाया था 8 mm अंदर, तो 4 mm ये इधर रह गया और ये वाला पूरा इस तरह से हो गया। तो जब इसको वापस लगाया तो ये इस पर आराम से हमने वीनियर भी लगा दी और ये भी लग गई, क्योंकि अगर ये साथ में होता तो इसका ग्रूव इस तरह गोलाई में बनाना फिर इसको बिठाना पॉसिबल था नहीं, तो ये आराम से बैठ गई और इसको इसके साथ में जोड़ दिया। अब देखिए अंदर से ये पूरा खाली इस तरह से बनाया है, 2 LNK बोल्ट लगे हुए हैं, वो खोल लेते हैं। ये दोनों बोल्ट खोल के अंदर से निकाल लिए हैं। अब ये खोलते ही ये और एक इसमें अलग हो गया है, तो आप देख रहे हैं ये वाला भी अलग हो गया। इसमें आराम से हमने ये पट्टियां लगा ली, ये ऊपर इसमें भी यहाँ पे ये ब्रास की रिंग थी, तो ये वाली 4x4 का जो ये है जो रोड है
इसकी हमने बना के यहाँ पे लगा दी सेम दूसरी जगह पे। ये 4 mm का MDF का एक 8 mm छोटा रेडियस का काट के इस पर लगाया और बाहर बेयरिंग घुमा दी, तो काम बड़ा आसानी से हो गया। और ये पट्टियाँ इस पर बराबर डिवाइड करके पहले से हमने ये पट्टियाँ बना के इस पर लगा दी है, अलग हो गया। अब देखिए ये वाला इसमें लगा है, इसके साथ में इसमें आप देखिए अंदर में एक बोल्ट लगा है, अंदर में इसमें भी एक बोल्ट लगा है, तो वो खोल लेते हैं। तो इसको है वो क्योंकि अंदर पूरा गया हुआ, तो इसको इससे पकड़ के थोड़ा खोलना पड़ेगा। एक बार ये खुल गया है, उसके बाद में ये वाला आसानी से खुल जाएगा। देखिए ये वाला इसके अंदर में ये देखिए ये वाला एक बोल्ट लगा था जो अंदर में, इसमें फास्टनर लगे हुए हैं, ये आप देखिए ये वाले फास्टनर हैं जो लकड़ी में लगते हैं इस तरह से। ये थ्रेड पहले ये फास्टनर लकड़ी में लगा दिए जाते हैं, फिर इसमें ये थ्रेड होती है, इसमें ये पकड़ लेता है। इसमें भी ये फास्टनर लगा हुआ है, तो ये देखिए ये इसके अलग अलग पार्ट आप देख रहे हैं। ये देखिए बोतल जो है ये अभी 5 पार्ट में हो गया है, 1, 2, 3, 4 और एक इसका ये टॉप, पूरा 5 पार्ट में अलग अलग हो गया है। तो देखिए जब इसको हमें जब जोड़ना है तो इसी तरह से पूरा हम एक दूसरे से जोड़ भी देंगे। ये वाला है नीचे सबसे पहले ये लगा था, ये वाला इसके नीचे, फिर इसके बाद में ये वाला लगा था। मैं आपको वापस ऐसे ही रख के दिखा देता हूँ। ये हो गया सबसे पहला पार्ट, इसके बाद में ये इसका ऐसे चौथा पार्ट, और ये इसका हो गया टॉप। टॉप में ये वीनियर जो लगाई हुई है, ये वीनियर जो आप देख रहे हैं, ये वीनियर को ये MDF में से 4 mm बिल्कुल बराबर है, वो इतना एरिया में गोलाई में काट के निकाला गया 4 mm, और वापस MDF की जगह पे वीनियर लगा दिया। और यहाँ पे ये रिंग जो है ब्रास की ये लगा दी, और इसके ऊपर ये ऐसे पूरा मैंने खोला वैसे दिखा दिया, फिट किया, तो ये बन गया। दोनों सेट इसी तरह से बने हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।